गुड मॉर्निंग्स, स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको मापन प्रणाली में कुछ इकाइयों के बारे में बताएंगे। अंग्रेजी तथा मीट्रिक प्रणाली के बीच में क्या क्या संबंध होता है, तो आपका यह पहला है एक मील। एक मील इक्वल टू 1.61 किलोमीटर होता है, और दूसरा है आपका 8 किलोमीटर इक्वल टू कितना मील होगा, 5 मील होगा। एंड तीसरा आप जान सकते हैं एक हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, 2.471 एकड़। और एक फीट में कितना मीटर होगा, 0.3048 मीटर। और एक मीटर में कितना गज होता है, एक मीटर में कितना गज होगा, एक मीटर में 1.11 गज होगा। और एक डेसीमीटर में कितना इंच होगा, तो 4 इंच होगा। तो और फिर एक किलोमीटर में कितना मील हो सकता है, 0.6214 मील होता है। और एक एकड़ में कितना वर्ग मीटर होगा, एक एकड़ में 4046.86 वर्ग मीटर होगा। और एक गज में कितना मीटर होगा, एक गज में कितना मीटर होगा, तो बताइए आप लोग, एक गज में 0.9144 मीटर होगा। तो एक मीटर में कितना फीट हो सकता है, एक मीटर में कितना फीट होगा, एक मीटर में 32802 फीट होगा। और एक मीटर में कितने इंच होते हैं, एक मीटर में 39.37 इंच होगा। और एक इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे, पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, ये आप सबकी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। एक मील में 1.61 किलोमीटर होता है, 8 किलोमीटर में 5 मील होगा, एक हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होगा, और एक फीट में 0.3048 मीटर होता है, और एक मीटर में कितना गज होगा, तो आप बोल सकते हैं 1.11 गज होगा। एक डेसीमीटर में 4 इंच होता है, और एक किलोमीटर में कितना मील हो सकता है, तो 0.6214 मील होगा। एक एकड़ में कितना वर्ग मीटर होगा, 4046.86 वर्ग मीटर होगा। एक गज में कितना मीटर होगा, 0.9144 मीटर होगा। एक मीटर में कितना फीट हो सकता है, 32802 फीट बोल सकते हैं, या 32802 फीट बोल सकते हैं। एक मीटर इक्वल टू कितना इंच होगा, 39.37 इंच होगा। और आपका एक लास्ट रह गया, एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो एक इंच में टू पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर होगा। यह आज आपकी पहली एक एक पॉइंट का फर्स्ट मापन प्रणाली का
ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इकाइयां हैं जो आपको बहुत सारे काम आएंगी। ये 12 पॉइंट्स है आज आपके लिए। आज अभी तक आपने इतना पढ़ा है, इसको पढ़िए। अगर नोट्स करना है तो आप नोट्स कर सकते हैं, लीजिए, कर लीजिए मापन प्रणाली का चैप्टर्स का।